क्या बोले? सिटी स्टैंड करा दिया। तेरा पति कह रहा सिटी कैन करा दिया, तू कह रही है सिटी स्टैंड करा दिया। अच्छा तू पढ़ी लिखी है, लंबी बहुत है भगवान की कृपा से, तू पतली भी बहुत है भगवान की कृपा। हाँ आपको खड़ा तो नहीं करना ऐसे बिना होश के रह जाती है। नहीं कुछ नहीं खाती, ये बात तो दिखाई दे रही है। तेरा इलाज कहाँ से चल? धारूलेडा में कौन से हॉस्पिटल से आ गया? क्या लगती है? अच्छा तभी इतने चक्कर काट रहे हो आसपास। अच्छा हाँ घरेलू अपना है ऐसे, डिग्री नहीं होगी उसके पास क्या है ऐसे BMS वाला? अच्छा तो उसने क्या बताया रिवाड़ी वाले? सिटी स्कैन करवाया सकते हैं, उसमें कुछ ना आया। ये डॉक्टर ने क्या कर दिया? इसको माइग्रेन होता है, अभी दर्द है इस टाइम। आज कौन सी बार है? ये नहीं है, ये है भाई है तो तब इसको तूने ही आना है। ये बात याद रखे, क्या करना है तूने ही आना है। अच्छा मैं बताता हूँ तेरे को दर्द क्यों रहता है। मैं कान में भूख मारता हूँ, भूख को महसूस करना है, जहाँ झंझनाहट जाएगी वहीं समझो आपको दर्द होता है। तू तो लंबी बहुत है, मन तो एटी उठा के भूख मारनी पड़ी। कहाँ से आई है तू? आँख बंद करो, आँख बंद। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कहाँ से आई है। ये देख लो इसको दर्द क्यों होता है, समझ में आ गया? डॉक्टर कह रहे हैं सिटी स्कैन करने के बाद, डॉक्टर सिटी स्कैन करने के बाद क्या कह रहे हैं? इसको माइग्रेन और डिप्रेशन, माइग्रेन बता दिया, डिप्रेशन बता दिया। अब ये देखिए डॉक्टर को डिप्रेशन है तो इसको माइग्रेन तो कुछ था नहीं। क्या नाम है इसका? हेमलता, हेमलता जी आंखें खोलो। हेमलता जी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हेमलता? हेमलता ये तो कोई और आ गया, मुझे तो डर लग रहा है भाई। ये तेरी तरफ ऐसे देखती है कभी कभी? मुझे तो डर लग रहा भाई। हेमलता जी, बहन जी, अरे बहन जी कहाँ गई? अरे इसमें कौन आ गया भाई? अच्छा हाँ हेमलता, हेमलता ये क्या हुआ था इतनी देर के लिए? अपना होश सा रहता है कुछ कि कोई पुकार रहा है? जैसे मैं पुकार रहा था ये होश था, बोलने की हिम्मत नहीं रहती, आवाज आती है, ये निगेटिविटी है और पूरा शरीर कांपता है। और इसके अलावा कहीं कहीं दर्द होता है। डॉक्टर कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, माइग्रेन है या डिप्रेशन। मैं डॉक्टर को चैलेंज करता हूँ, या तो वो इसको ठीक करके दिखा दे पूरा और मैं इसको महीने के अंदर अंदर ठीक कर दूंगा। ना कोई दुनिया का डॉक्टर इस चैलेंज को स्वीकार करता है तो आ जाए दुनिया में कोई भी, पूरा अपना कैन कून करा ले सीटी स्कैन स्कैन। क्यों? क्योंकि निगेटिविटी का पदार्पण है संसार में और वो घर घर में घुसी हुई है। हो सकता है उस डॉक्टर में भी घुसी हो जिसने इसका सीटी स्कैन किया है। मैं फूंक मारूं पता चले बेहोश हो गया अगला, है ना? तू भी तो भूल गई थी अपना होश, तू भी तो हेमलता नहीं रही थी थोड़ी देर के लिए। ऐसा फूंक मारने से हुआ ना, अब तेरे को घर पे क्या होता है मुझे तो नहीं पता ना। मैंने फूंक मारी अभी तक तू मेरे से बात कर रही थी और फिर एकदम से तू खो गई कहीं, काहे खो गई? तो कुछ तो कराने आई है ना यहाँ? क्या कराने आई है? इलाज कराने आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ इलाज होता है, जो रोग आपको है यहाँ उसी का इलाज होता है। यहाँ निगेटिविटी का पूर्ण रूप से इलाज होता है, आपका जीवन सफल होगा, आप यहाँ से ठीक होंगे। आप हॉस्पिटल में चक्कर काटते रहते, दवाइयाँ खाते रहते, डॉक्टर की ठगी का शिकार होते रहते, बहुत खाली। अच्छा एक बात बता, ये इतनी जो दवाई खाई, इस दवाई खाने के बाद दर्द बढ़ रहे थे कि घट रहे थे? जैसे दवाई का असर पड़ा, अब ना करती है सर, अब असर करना बंद कर गई दवाई। बोलिए शनिदेव महाराज की। होश भी ना रहे कि मैं कहां पड़ी।
तीन दिन सुन तेरे से बात ना क्या बात और माँ ने रोटी पानी पड़ा दूसरे दिन बात नहीं करो वो दूसरे दिन माँ की अब्स की लड़ाई हो जाए जब ये रोक रही थी सासू अच्छी है अच्छी तो है लड़ाई कर बैठे ये थोड़ी ना करेगा भाई वो लड़ाई अंदर वाला करे तू इसको माने हैं इसको तो अपना होश भी ना रहा लड़ाई क्यों कौन करे अंदर वाला करे चालू आदमी लड़ाई करे जो अंदर है नहीं समझे तो बेचारी कितनी सज्जन देखिए चेहरे से ही ना पता चल रहा है नहीं बोलो लड़ती है कभी तेरे से अपने होश फिर और जब अपना होश ही नहीं रहेगा फिर तो कुछ करो गुस्सा तेने ना आता गुस्सा उसमें आवे जो मेरी तरफ आंख देख रहा था ये गुस्सा इसमें आवे इसमें जो ये आंखों में देख रहा है गुस्सा आवे इसमें इसको डॉक्टर कौन ठीक कर पाएगा ये हंस रहा है ये इसने आवे गुस्सा आया समझ में गुस्सा किसको आवे हंस लेना हंसेगा नहीं आंखों में देख साले कहां चोरियां चढ़ा रहा है कहां की लड़की को परेशान कर रहा है हेमलता भाई नहीं है तेरा था पता अरे क्या हो गई तेरे पति से ऐसी खता हो गया जाएगा जब मैं हूं तो यहाँ सिर के दर्द का तो हिस्सा पता है मुझे तुझे नहीं लग रही है ये तो किसी और को लगी अभी दर्द है फिर और कहा रो रही कोई लड़ाई करा सासों के साथ अरे लड़ाई करा इसके तुम कह रहे ससुर सर में मत मारो तेरी चोटी ना काटूंगा ना काटू अच्छा क्यों ना लगाइयो बालों के हाथ बता तो सही क्यों ना लगाइयो तू कैसे आई है इसमें अपनी मर्जी से पता ही ना तेरे कब से रह रही है तू इसमें इसकी सासू से तेरी लड़ती है हाँ सासू से तू लड़ती है तू गला दबाती है इसका ले बाल तो नहीं पकड़े मैंने कब से रह रही है तू इसमें ये बालों के तो हाथ मत लगाना मेरे बाल तो अंग्रेजी है बोलिए शनिदेव महाराज की बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव आ गया समझ में कौन है माइग्रेन कौन है डिप्रेशन कौन है दवाई वाला है ये दवाई नहीं लगने देते हैं ना दवाई खाने देते हैं ना रोग है दवाई का आ गया ना ये जो सुन हो जाती है रोटी नहीं खाती जो भी होगा वो सारा निकल जाएगा ना कई चीजें बताई होंगी ना हाँ तो तीनों को कटने दे
एक दो बार और आएगा, ये तकरीबन फ्री हो जाएगी, इसको साथ लेके आना। दूसरी बार आयो मार घर, बहुत ज्यादा आराम होगा, और भी आराम पड़ेगा। तालियां बजाओ।